नमस्कार दोस्तों, सीमा गुप्ता लाइफ ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ केले के चिप्स। तो मैंने यहाँ पर दो केले लिए हैं और मैं उसे अच्छे से छील लेती हूँ। तो इसका छिलका मैं कुछ इस तरह से छील लेती हूँ, छिलके को हटा लेती हूँ। ये देखिए मैंने केले को छील लिए। यहाँ पर मैंने दो केले लिए हुए हैं और इसे मैं अब पानी में डाल दूंगी, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। तब तक मैं कढ़ाई में तेल गरम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई हमारी गरम हो चुकी है। यहाँ पर तेल भी रख दिया मैंने। ये देखिए तेल हमारा गरम हो गया है और अब हम चिप्स कटर से केले को कढ़ाई में डायरेक्ट ही ग्रेट करेंगे। तो ये देखिए चिप्स को इसी में कढ़ाई में डायरेक्ट काटते जाएंगे, ज़्यादा नहीं काटेंगे, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं होंगे और अच्छे से चिप्स हमारे बनेंगे नहीं। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हमने इसे फ्राई करना है इसी तरह। और इसे ये देखिए हमारे केले के चिप्स हो गए हैं। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता। तो मैं इसे कटोरे में निकाल लेती हूँ। ये देखिए ये जो बचा हुआ है इसे भी मैं निकाल ले रही हूँ। अब इसी तरह मैं और भी केले को कढ़ाई में इसी तरह कस कर लेती हूँ कढ़ाई में डायरेक्टली। ये देखिए तो इस तरह मैं सारे जो मैंने दोनों केले लिए थे उसका मैं चिप्स बना लेती हूँ केले का। तो ये देखिए ये भी लगभग हमारे हो रहे हैं, हो चुके हैं। इसमें ज़रा सा भी समय नहीं लगता, आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करें। ये बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो थोड़े ही थोड़े डालकर आप तलिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए इन्हें भी मैं निकाल ले रही हूँ कटोरे में। ये देखिए मैंने कटोरे में निकाल लिया है, मैंने सभी चिप्स फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए ये कितने क्रंची कितने क्रिस्पी हैं। ये देखिए बहुत ही ये कुरकुरे बने हैं हमारे चिप्स। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके भी चिप्स बनेंगे कुरकुरे। तो मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाल दिया है और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। तो यहीं पर इसी में डालूँगी मैं चाट मसाला। तो चाट मसाले से इसका स्वाद और भी अच्छा लगता है। तो इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ इसी कटोरे में अच्छे से। इसे अच्छे से मिलाएंगे, नहीं तो कहीं पे ज़्यादा हो जाएगा कहीं पे कम हो जाएगा। तो अच्छे से आप मिलाएंगे। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आप इसे चाय के साथ वैसे भी आप खा सकते हैं, किसी भी एयर टाइट डिब्बे में आप भर के रख सकते हैं। तो हम लोग तो फिलहाल इसे खाने जा रहे हैं तो डिब्बे में नहीं रखेंगे। ये देखिए कितना क्रिस्पी हमारा केले का चिप्स बना है, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं।